वेलकम टू माय चैनल खेल कबड्डी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कबड्डी के मैट पर हुए मैच नंबर 54 के हाइलाइट्स। ये मैच गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच हुआ था, जिसमें जीत बेंगलुरु बुल्स की हुई। तो सबसे पहले देख लेते हैं टीम स्टैट्स। मैच के फर्स्ट हाफ में बेंगलुरु बुल्स के पास टोटल पॉइंट्स थे 22, रेड पॉइंट्स थे 16, टैकल पॉइंट्स थे 4, ऑल आउट पॉइंट्स थे 2। तो वहीं गुजरात जायंट्स के पास टोटल पॉइंट्स थे 17, रेड पॉइंट्स थे 12 और टैकल पॉइंट्स थे 5। मैच के सेकेंड हाफ के दौरान गुजरात जायंट्स के पास टोटल पॉइंट्स थे 20, रेड पॉइंट्स थे 12, टैकल पॉइंट्स थे 6 और एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे 2। तो वहीं बेंगलुरु बुल्स के पास भी टोटल पॉइंट्स थे 24, रेड पॉइंट्स थे 10, टैकल पॉइंट्स थे 6, ऑल आउट और एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे 4। बात करें रेड्स की तो दोनों टीम्स ने एक एक सुपर रेड की थी। गुजरात जायंट्स के पास टोटल रेड्स थी 39, जिसमें उनकी 16 सक्सेसफुल रही थी, और बेंगलुरु बुल्स के पास टोटल रेड्स 39 थी, जिसमें उनकी 23 सक्सेसफुल रही थी। लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल रेड गुजरात जायंट्स की थी 6 और बेंगलुरु बुल्स की थी 7। इस मैच में गुजरात जायंट्स ने 2 सुपर टैकल किए। गुजरात जायंट्स के पास टोटल टैकल्स 31 थे, जिसमें उनके 9 सक्सेसफुल रहे, और वहीं बेंगलुरु बुल्स के पास टोटल टैकल्स 23 थे, जिसमें उनके 10 सक्सेसफुल रहे। नाउ लेट जस्ट मूव टू द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द मैच। गुजरात जायंट्स टीम में टॉप रेडर रहे राकेश, जिनके रेड अटेम्प्ट्स थे 21 और रेड पॉइंट्स थे 14। तो वहीं टॉप डिफेंडर रहे परवेश, जिनके टैकल अटेम्प्ट्स थे 7 और टैकल पॉइंट्स थे 4। बात करें बेंगलुरु बुल्स के टॉप परफॉर्मर्स की तो टॉप रेडर रहे पवन सहरावत, जिनके रेड अटेम्प्ट्स थे 27 और रेड पॉइंट्स थे 19, और टॉप डिफेंडर रहे सौरभ नंदल, जिनके टैकल अटेम्प्ट्स थे 4 और टैकल पॉइंट्स थे 3। मैच का फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ खत्म होने के बाद गुजरात जायंट्स ने स्कोर किए 37 पॉइंट्स, तो वहीं बेंगलुरु बुल्स ने जीत हासिल की पूरे 46 पॉइंट्स बनाकर। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बेंगलुरु बुल्स सीजन 8 में जो भी मैचेस जीत रही है, उसमें अच्छे पॉइंट्स मार्जिन के साथ वो जीत ले रही है। इन दिस मैच वी सॉ द हाई फ्लायर इन हिज फुल फॉर्म एज अर्लियर। सो आर यू अ फैन ऑफ द हाई फ्लायर पवन सहरावत? कमेंट बिलो, और प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।